विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के चलते प्रशासन द्वारा जब्त किए गए जिला परिषद पदाधिकारियों के सरकारी वाहनों को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में जमा करा दिया गया। 15 अक्टूबर को विधानसभा आम चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण इन वाहनों को जमा कराया गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला परिषद पदाधिकारियों के सरकारी वाहन जिला परिषद परिसर में जमा किए गए हैं। 17 अक्टूबर को जिला परिषद प्रशासन की ओर से पदाधिकारियों के 6 सरकारी वाहन जिलाधिकारी कार्यालय में जमा किए गए। जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समाज कल्याण सभापति, शिक्षा सभापति, स्वास्थ्य सभापति, महिला व बाल कल्याण और कृषि व पशु संवर्धन सभापति समेत 6 पदाधिकारियों के सरकारी वाहन जिलाधिकारी कार्यालय में जमा किए गए हैं। विधानसभा चुनाव के आचार संहिता खत्म होने तक पदाधिकारियों के सरकारी वाहन जिलाधिकारी कार्यालय में जमा रहेंगे, जिस वजह से जिला परिषद के संबंधित पदाधिकारियों ने निजी वाहनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।